नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सीड ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोगों को पुनः नमस्कार करता हूं। और मैं आज आप लोगों को ये गैलेक्सी भिंडी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी भिंडी ये मनोज कुमार सीड्स इंडिया सीड्स का जो है प्रोडक्ट है। ये भिंडी की खूबियाँ क्या है, खामियाँ क्या है, ये पूरे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। गैलेक्सी भिंडी जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी एंड क्वांटिटिव प्रोडक्ट है। इसकी खासियत ये है कि जब हम इसे जब सोइंग करते हैं, सोइंग के मात्र 20 से 25 दिनों के अंतर्गत फर्स्ट पिकिंग शुरू हो जाती है, जिससे फार्मर को जल्दी से जल्दी उत्पन्न मिलना शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, जब इस गैलेक्सी भिंडी का जब आप फोटो देखेंगे तो इसमें देखिए फ्रूट की डार्कनेस, डार्क ग्रीन कलर का फोटो है। इसमें जो है क्या है, मार्केट रेट बढ़ती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, फार्मर को 2 रुपये 4 रुपये प्रति किलो कम से कम जो है उनकी रेट ज्यादा मिल पाती है दूसरे वेराइटी के अपेक्षा। तीसरी क्वालिटी ये है इस भिंडी की कि इसकी जो है वास लाइफ बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। जब इसकी जो है ग्रीननेस के कारण क्या है, इसकी क्वालिटी कम से कम जो है 4 से 5 दिन पिकिंग करने के बाद भी जो है समान रह जाता है। आपको फर्स्ट दिन जैसा तोड़ते हैं वैसा ही दिखाई पड़ता है, जिससे मार्केट में इसकी क्वालिटी का डिटोरेशन नहीं होता है और मार्केट में प्राइस इसकी बनी हुई रहती है। दोस्तों, मैं ये बात बताना चाहूंगा कि फार्मर के लिए गैलेक्सी भिंडी जो है बहुत ही अधिक उपयोगी है। ये बहुत ही अच्छा हाइब्रिड है। इसमें फार्मर कम से कम जो है 7 से 8 पिकिंग, इवन ऑब्जर्व किया गया है कि 10 पिकिंग तक होता है। लेकिन फार्मर को भी इस चीज में ध्यान देना होगा कि जब हम इस गैलेक्सी भिंडी का जो हम पिकिंग करते हैं, पिकिंग करने वक्त जो है कम से कम मिक्स फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ पुनः कि देखिए जो है हम गैलेक्सी भिंडी को इस प्रकार पैकिंग करके मैं जो है आप लोगों तक, फार्मर तक पहुँचाता हूँ। एवं पुनः अनुरोध करता हूँ कि कम से कम फार्मर इसे ग्रो करके देखें और इसकी क्वालिटी कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करें, एवं साथ ही साथ लोगों को प्रोत्साहित करें कि मनोज कुमार सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो प्रोडक्ट गैलेक्सी है, F1 है, उसे हम लगाएं। इसमें किसी भी प्रकार की एलोवेन मोजाइक जो है बाइवियम नहीं आ पाएगा और फार्मर लास्ट तक ग्रीन से ग्रीन फ्रूट हार्वेस्ट करेंगे, उन्हें मार्केट वैल्यू मिलेगी और अधिक उत्पन्न मिलेगा। मैं पुनः आप लोगों को सीड ज्ञान चैनल के माध्यम से मनोज कुमार सीड की तरफ से आप लोगों को नमस्कार करता हूं एवं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।